Welcome to all of you. Today I am going to discuss about present perfect continuous. तो आज हम present perfect continuous के बारे में सीखेंगे. तो identification हम देख रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ तथा इसमें विशेष क्या बात है कि समय लगा हुआ होता है, इसी से हम समझ जाते हैं कि क्या है present perfect continuous का sentence है. अब क्या है कि स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या कि इसका बनाने का रूल क्या है. तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फॉर प्लस फॉर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसमें हम देखेंगे क्या कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हो तो हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे. दूसरा बात यहाँ है कि हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम अगर होगा तो हम फोर का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है दो घंटा, चार घंटा, दो वर्ष, चार वर्ष, दो दिन, चार दिन, इस तरह अगर रहेगा तो हम ये समझेंगे कि इसमें फोर का यूज करेंगे. लेकिन अगर 1998 से, 1999 से, या जनवरी से, सुबह से, इस तरह क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. सीता दो घंटों से स्कूल में पढ़ती आ रही है. सीधा दो घंटे से स्कूल में पढ़ती आ रही है. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं. तो सीता, सीता, उसके बाद सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे. तो सीता हैज, बीन तो सभी में लगाना है, हैज बीन हो गया. उसके बाद वर्ब फॉर, वर्ब फॉर का मतलब पढ़ती आ रही है, यानी कि पढ़ने का काम हुआ है तो हम क्या करेंगे, रीडिंग. रीडिंग आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें यूज हुआ है तो आईएनजी फॉर्म भी हम कहते हैं. तो सीता हैज बीन रीडिंग इन द स्कूल. इन द स्कूल फॉर इसलिए कि यहाँ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है. पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि दो घंटा, एक पीरियड बता रहा है, इस कारण से हम इसमें फोर का प्रयोग करेंगे, फोर टू आवर्स. इस प्रकार हम दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तुम सुबह में दो घंटों से खेलते आ रहे हो. खेलते आ रहे हो तो ये क्या है, सेकेंड पर्सन है तो यू हम क्या किए, सब्जेक्ट हम यहाँ देख लिए थे कि यहाँ तुम सब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे. यू हैव बीन तो सभी में लगना है, यू हैव बीन खेलते आ रहे हैं, यानी कि प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लेइंग कितने घंटे से, दो घंटे. तो हम यहाँ करेंगे, इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर टू आवर्स. ए
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। किसान 4 दिनों से खेत में काम करता आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, किसान प्रॉपर नाउन है, तो द फार्मर, उसके बाद हम क्या करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। द फार्मर हैज बीन, तो सभी में लगना है, द फार्मर हैज बीन। उसके बाद वर्ब फोर है, यानी कौन सा काम हुआ है, तो काम करता आ रहा है, वर्किंग, क्योंकि आई एन जी फॉर्म है, वर्किंग इन द फील्ड, क्योंकि खेत में है, खेत में, इन द फील्ड, इसमें देख रहे हैं क्या, इसमें भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या करते हैं फोर का यूज करेंगे, फोर आवर्स फोर डेज, यानी कि द फार्मर हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड फोर डेज। मैं अपने दोस्तों के साथ 2 घंटों से खेल रहा हूँ। या खेलता आ रहा हूँ, ये बात एक ही है। तो आइए, हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ हम सब्जेक्ट देख लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आई के साथ हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई हैव बीन, तो सभी में लगना है, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब फोर का मतलब है कि खेल रहा हूँ, यानी कि खेलने का काम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्लेइंग, अपने दोस्तों के साथ प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, अब बचा हुआ क्या है, 2 घंटों से, यहाँ भी क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, टू आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, पटना में पढ़ रही है, बात एक ही है। तो यहाँ क्या है कि माई सिस्टर, मेरी बहन, यहाँ सब्जेक्ट है,
माई सिस्टर, माई सिस्टर सिंगुलर नंबर है, हैज का प्रयोग होगा, माई सिस्टर हैज बीन, तो सभी में लगना है, माई सिस्टर हैज बीन। उसके बाद घर फोर की बात करते हैं, तो पढ़ने का काम हुआ है, पढ़ती आ रही है, तो रीडिंग, रीडिंग इन पटना, इन पटना 2019 से, सिंस 2019। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हम सिंस का प्रयोग इसलिए किए कि यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है 2019 से, यानी कि 2019 एक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इस कारण से हम क्या किए, इसमें सिंस का प्रयोग किए, तो बना क्या, माई सिस्टर हैज बीन रीडिंग इन पटना सिंस 2019। नेक्स्ट देखते हैं, गीता 2 महीने से स्कूल में इसको हम क्या करते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत हो गया है, हम सिंस के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं, मेरी माँ सुबह से सुबह से हम लोगों के लिए खाना बना रही है, तो यहाँ क्या क्या देख रहे हैं कि मेरी माँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माई मदर सिंगुलर नंबर होने के साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, माई मदर हैज, तो बीन लगेगा सभी में, माई मदर हैज बीन। वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, खाना बना रही है, कुकिंग फूड, खाना बना रही है हम लोगों के लिए, कुकिंग फूड फॉर अस, अब क्या है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड फॉर अस सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक और, वह मंगलवार से सिर्फ सिर्फ अंग्रेजी पढ़ती आ रही है, पढ़ती आ रही है, तो ये हम देख रहे हैं कि
वह है, तो गर्ल के लिए हम क्या करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, सी। उसके बाद क्या है कि एक ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये भी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, तो सी हैज बिन। उसके बाद भाग फोर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, पढ़ती आ रही है या नहीं, पढ़ने का काम हुआ है, तो रीडिंग सी हैज बिन रीडिंग। सिर्फ हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी क्या पढ़ती आ रही है, तो ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। अब क्या है, मंगलवार से, तो मंगलवार से का मतलब है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। ट्यूजडे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो घंटा चार घंटा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन आएगा इसके बारे में बताएं, दो घंटों से चार दिनों से दो महीने से या दो वर्षों से, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि दो घंटा एक पीरियड को इंडिकेट करता है, और पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम में देखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में सोमवार से मंगलवार से उन्नीस 98 से सुबह से, इस प्रकार ये क्या है, ये पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है मंगलवार से, पॉइंट ऑफ टाइम है सोमवार से, पॉइंट ऑफ टाइम है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप हाँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, कुछ इससे सीखे होंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।